डायबिटीज अगर नियंत्रित नहीं रहा तो यह आपके शरीर को खोखला कर देगी। बोल दे, पर चलते रहे, चलते रहे। हाँ, बोलिए। एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जिनके मरीजों की संख्या देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 422 मिलियन लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले 30 वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी तेजी से फैली है। खराब डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। डायबिटीज को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया जाए तो इस बीमारी अगर के 3-4 कारण लग रहा है, एक का एक लग रहा है कि अब तो थकान हमको बहुत लगता है, पहले तो हम बहुत काम कर लेते हैं, अब थक जाते हैं, को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। आस्था फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे घुटे घुटे गला सूख रहा है, डायबिटीज जागरूकता अभियान के दौरान रसूलपुर मोहल्ले बार बार जा रहे हैं, जागरूक करते हुए बार बार पेशाब जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से गर्मी के मौसम में डायबिटीज के रोगी कैसे डायबिटीज को कंट्रोल रखें, भूख कस के लग रही है, इतना तेज भूख लग रही है, उतने कमजोरी लग रहा है, जितना खा रहे हैं उतने कमजोर हो रहे हैं, वो भी शुगर का लक्षण है। वजन घटता जा रहा है, पहले हट्टा कट्टा था, देखिए ना 5 किलो घट गए, इधर पॉइंटमेंट ढीला हो गया, शुगर का लक्षण है। कुछ नहीं है, ना बुखार है, ना जा रहा है, वजन घट गया है। तो ये सब लक्षण किसी में है, अगर मुंह सूख रहा है, प्यास बहुत लग रहा है, पेशाब बहुत लग रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कमजोरी उतनी ही लग रही है, वजन घटता जा रहा है, ये सब शुगर के लक्षण हैं। और परिवार में अगर है तो आज के दिन में हर जगह शुगर की जांच उपलब्ध है, जरूर से शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले, अगर बहुत हल्का बढ़ा हुआ है तो मीठा चीज़ हम लोग परहेज कहते हैं, आलू चावल मीठा, ये सब खान पान में परिवर्तन करना चाहिए, टहल घूम व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद भी शुगर बढ़ा है तो चिकित्सीय देख रेख में दवाई का सेवन करना चाहिए, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, शुगर बढ़ेगा तो जैसा पहले शुरुआत में हम बताए, सारे अंग को प्रभावित कर देगा, आपके कमज़ोर कर देगा, और उसके बाद फिर समझिए कि लाइफ लॉन्ग जिंदगी में दवाई खाते रहना, अगर हार्ट हो गया या किडनी हो गया या तो फिर समझिए कि पैसा बहते गया। तो इसलिए शुगर से बचना जरूरी है, उसके लिए सबसे पहला है खान पान और व्यायाम और वॉक, टहलना घूमना। शहर में हम लोग इसलिए वॉक फॉर लाइफ नाम दिए हैं इसका, वॉक फॉर लाइफ का मतलब टहलिए कम से कम। आपको भगवान शरीर दिए हैं तो आपका भी ड्यूटी है कि अपने शरीर पर कम से कम प्रतिदिन 40 से 45 मिनट का समय दीजिए। कैसे दीजिएगा? शरीर के लिए, सब लोग चाहता है सेवा, अपना शरीर भी चाहता है सेवा, आपका अपना